आप लोग यहाँ जैसे अभी इलाहाबाद से प्रतापगढ़ से एक सेफर टाइगर फोर्स के लोग आए हुए हैं, मैं चाहूँगा नागोपाल जी हैं हमारे बीच में हैं, वो आएँ अपना सबको अपना पहले परिचय भी दें और वहाँ के बारे में कुछ बताने कष्ट करें। नागोपाल जी आपका स्वागत है, आप इतनी दूर से आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज इस कार्यक्रम के आयोजक एवं संचालक महोदय जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर आए हुए दूर दराज से सामाजिक कड़वाने बंधुओं को अपना परिचय आप सभी को देना चाहता हूँ, जो कि जैसा कि हमारे संचालक महोदय जी ने आदेश दिया हुआ है, मैं सेफर्ड धामुपाल, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से बिलोंग करता हूं। आप सभी लोग पाल समाज या गढ़िया समाज को जानते होंगे, मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूं और उस समाज से मैं एक सेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन को मैं पूरे देश में संचालित कर रहा हूं, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। एक पहुंचन चिंतक होने के नाते संगठित करने के लिए, जागरूक करने के लिए मैं लगातार गांव गांव जाकर के लोगों को जागरूक करने का मैं प्रयास हमेशा करता रहता हूं। उनके ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ भी सड़कों पर उतरकर जहां जैसा भी हो सकता है अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से, आम सभी लोगों के सहयोग आशीर्वाद के माध्यम से मैं उनके न्याय वाले साथ जाने का प्रयास करता रहता हूं। सम्मानित साथियों, क्योंकि आज हम सभी लोग इस भारत देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली से जब कोई आवाज उठती है तो वह पूरे देश में जाती है, इसलिए हम सभी लोग गांव से दिल्ली की तरफ भागते हैं जब हमें न्याय व इंसाफ नहीं मिलता है या डर डर की जब ठोकरें खानी पड़ती है, तब यह होता है कि हमारी आवाज भी दिल्ली में गूंजनी चाहिए ताकि हमारे भाइयों को या हमारी बहनों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय शोषण किया जा रहा है उसकी आवाज उन गुनी बाहरों बारी सरकारों तक पहुंच सके और हमको न्याय व इंसाफ मिल सके। यह बड़ी अजीब विडंबना है, हम लोग जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने हम सभी लोगों के लिए संघर्ष किया हुआ है, लेकिन हम उनको मानते नहीं हैं, हम उनके विचारों पर चलना नहीं जानते हैं, उनके विचारों पर हम अपने आत्मंथन कितना कर रहे हैं, यह आज सोचने और समझने का विषय है। 17 सितंबर 2013 में जब केरिया रामस्वामी नायडू की बहुत बड़े प्रधान पर जयंती किया, इसमें 10,000 की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, तमाम बड़े बड़े समाज के, बहुजन समाज के लोग उस कार्यक्रम में हिस्सा बने हुए थे। हमारा कार्यक्रम जो 10 बजे से होने वाला था उस कार्यक्रम को पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया कि अब पेरियार रामास्वामी नायक की जयंती न मनाने दिया जाए, क्योंकि यदि आज लोग पेरियार रामास्वामी नायक को जान गए इस मानवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे, इसीलिए उस जयंती को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया कि पेरियार रामास्वामी नायक की जयंती न मनाने दिया जाए। सम्मानित साथियों, जो जयंती का कार्यक्रम 10 बजे से शुरुआत होना था वह जयंती का कार्यक्रम 2 बजे और 3 बजे से शुरुआत हो रहा है बड़ी मशक्कत करने के बाद, लेकिन हम लोग रुके नहीं, जयंती मनाना है तो मनाना है, कुछ भी हो जाए, घर पर हमारे पूरे पुलिस प्रशासन का पहरा लगा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी लोगों ने पेरियार रामास्वामी नायक की जयंती 17 सितंबर 2013 में बहुत बड़े पैदान पर मनाई। उसके दूसरे दिन लगभग 35 लोगों के खिलाफ पेरियार रामास्वामी नायक की जयंती करने के लिए हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, जिसमें हमारा भी नाम शामिल था, हमारे पिताजी नौकरी से सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। दूसरे साल हम लोगों ने फिर ठहरा, यानी इस बार भी पेरियार रामास्वामी नायक की बहुत बड़े पैदान पर हम लोग जयंती मनाने का काम करेंगे, लेकिन उस बार हम सभी लोगों ने 2 महीने पहले प्रशासन से परमिशन ले लिया और परमिशन लेने के बाद जब जयंती नजदीक आने लगा, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, 2 दिन पहले शासन प्रशासन के द्वारा जयंती का जो परमिशन लिया हुआ था उसको कैंसिल कर देते हैं कि आप जयंती नहीं मना पाएंगे। जिस दिन जयंती होना था 17 सितंबर को, उस दिन हमारे घर पर कई थानों के पुलिस सैकड़ों पुलिस दरोगा कोतवाल सारे लोग तुम्हारे घर को घेराव कर लेते हैं कि आप अगर 2 लोग भी मिलकर के पेरियार रामास्वामी नायक की जयंती मनाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा ले लिया जाएगा। सम्मानित साथियों, आप सोचिए कि इस आजाद भारत में आप महान पुरुषों की जयंती भी नहीं मना सकते हैं, जहां पर भारत देश में गोर से जैसे नामक लोगों की जयंती मनाया जाता है, लेकिन इस देश में जो पिछले दल को सोचते कि लड़ाई लड़ने वाले
यूनेस्को द्वारा सम्मानित भारतीय संविधान में भी पहला संशोधन कराने वाले तमिलनाडु जैसे प्रदेश में ओबीसी को 70% रिजर्वेशन देने वाले पेरियार रामास्वामी नायकर जी, ऐसे लोगों की हम जयंती नहीं मना सकते हैं क्योंकि यह हमको चलाने का काम किया हुआ है, हमारे हक अधिकार को दिलाने का काम किया हुआ है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ने का काम किया हुआ है। ऐसे महान पुरुषों की हम जयंती नहीं मना सकते हैं। हमें तो नहीं लगता कि आज हम लोग आजाद हो गए हैं, हमें लगता है कि यह झूठी आजादी है, असली आजादी के लिए हमें अभी आपको संघर्ष करना है। जिस दिन एक साथ बैठ करके लोग एक थाली में खाना खाना चालू कर दे, हर जात के लोग दूसरे बिरादरी में साझा करना चालू कर दे, एक दूसरे को सम्मान देना चालू कर दे, एक दूसरे पर अत्याचार न्याय शोषण करना लोग बंद कर दे, उसी दिन मैं समझ जाऊंगा कि भारत देश सच में आजाद हो गया, वरना भारत देश की आजादी वो झूठी आजादी थी, असली आजादी आजादी के लिए आपको भी संघर्ष करना है। सम्मान्य साथियों, आप लोग बहुत दूर दराज से आए हुए, तमाम सारे प्रदेश से लोग भी आए हुए हैं, कहीं कहीं आपके अंदर एक दर्द एक चिंता है। सम्मान्य साथियों, जब तक हम सभी लोग एकजुट नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, अपने समाज के महान पुरुषों के विचारधाराओं पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तमाम सारे महान पुरुषों ने जो सपना देखा हुआ था उस सपने को हम सब लोग साकार कैसे कर पाएंगे, इस पर चिंता करने का विषय है। इसी के साथ ज्यादा कुछ निकालते हुए अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद।